प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पीसीसी चीफ कमलनाथ द्वारा ली गई सोशल मीडिया बैठक पर करारा तंज कसा है। इस दौरान मंत्री तोमर ने कहा कि सोशल मीडिया पर अनर्गल बातें करने से सत्ता में नहीं आया जा सकता है, सत्ता में आना है तो काम करना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, तपती धूप में जनता के बीच उनकी बात को सुनना होगा। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में विपक्ष के नेता की हैसियत से सदन में बात उठानी होगी। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता, अगर सम्मान और उनकी सुनवाई होती तो कोई भी पार्टी छोड़कर नहीं जाता। सिर्फ सोशल मीडिया पे अनर्गल बात करने से ही सत्ता में नहीं आया जाएगा, सत्ता में आना है तो उसके लिए काम करना होगा, जनता के बीच जाना होगा, तपती धूप में जनता के बीच उनकी बात को सुनना होगा। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में विपक्ष के नेता की हैसियत से सदन में बैठ कर के बात उठानी होगी। सिर्फ बातों से सत्ता में नहीं आया जाएगा, मैनेजमेंट से सत्ता में नहीं आया जाएगा। उन्होंने ये बात दर्द भी जाहिर कराया सोशल मीडिया टीम ने कि उनको सम्मान नहीं मिलता, जैसे एनयूसीआई या युवा कांग्रेस है, इस तरह से उनको सम्मान नहीं मिलता है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता तो आज कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ के दूसरी जगह क्यों जाता, सम्मान है ही नहीं हुआ। अभी ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।